Jagriti, an NGO which provides free education along with free bags and books to children living in slums having no access to schools. They also provide midday meal to children along with free supplies. जागृति 2001 में स्टार्ट हुआ और हुआ ऐसा कि मैं आई वॉज 40 एट द टाइम सो माई फादर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट तो उनको हमेशा गरीब पेशेंट्स को वो हमेशा फ्री देखा करते थे और मुझे वो हमेशा लगता था कि एट राइट टाइम आई शुड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल सो आई हैव डिसाइडेड अ डेट ऑफ 40 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज यंग ऑफ योर एज तो उस वक्त हुआ ये कि 26 जनवरी 2001 की बात है बहुत ज़बरदस्त भूकंप अर्थक्वेक आया था इंडिया के अंदर आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था वो एंड उस अर्थक्वेक के अंदर भुज के अंदर और गुजरात के अंदर सुबह रिपब्लिक डे की परेड चल रही थी और हज़ारों में बच्चे और बड़े लोगों को उस भूकंप में दब गए और उनकी डेथ हो गई एंड देट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ जागृति मीन्स जागृति स्टार्टेड हियर सो आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स को फोन किया फोन पे सबको बोला कि अपने को कुछ भेजना चाहिए भुज में और दोपहर को 12 बजे मुझे याद है ये मुहिम शुरू हुई थी कि हमको कुछ भेजना है और शाम होते होते घर के कमरे से वो मुहिम शुरू हुई मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा सामान इकट्ठा होगा और हम भुज ले जाएंगे परंतु शाम होते होते इतना बड़ा सपोर्ट पूरे जयपुर का मिला कि रात तक पूरा घर भर गया बाहर की रोड भरने लगी नेक्स्ट डे सुबह हमने स्कूलों में जाने का तय किया था तो हम वी केम टू एमजीडी ऑल्सो एंड वी गेट गॉट अ मैसिव सपोर्ट फ्रॉम एमजीडी मतलब बच्चों ने हमको मैं अपने लंच पैकेट तक हमको दे दिए सपोर्ट के लिए इतना बड़ा सपोर्ट था वो सो नेक्स्ट डे हम लोग जहाँ थोड़ा सा सामान एक ट्रक सोच रहे थे वहाँ 10 ट्रॉला ऑलमोस्ट 250 टन सामान लेके भुज के लिए रवाना हुए एंड देट वॉज द सेकेंड एड विच रीच भुज आफ्टर द स्विस एड एंड देट इज हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ जागृति And Jagriti was born. That was the beginning. We started Jagriti, but gradually हम जब भी जाके slums में काम करते थे तो हमको लगता था कि वो sustainable नहीं है क्या होता था जैसे हम cleaning करते हैं तो cleaning थोड़े दिन बाद में वापस गंदा हो जाता था हम plantation करते हैं तो sustainable नहीं था हम medical camps करते थे cancer की medicine के लिए हम cancer cervix के ऊपर हम camp करते थे तो सस्टेनेबल नहीं था मेडिसिन हम देते थे तो लोग लेते नहीं थे तो हमें लगा कि द बेसिक प्रॉब्लम इज विद एजुकेशन अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ये चलता रहेगा और ये हम वापस से इसको रिवाइव कर ही नहीं पाएंगे सो एजुकेशन देने का हमने 2010 में एक प्लान बनाया कि टू सस्टेन इट वी विल हैव टू गो फॉर एजुकेशन फॉर ऑल और एजुकेशन इज द ओनली वे कि हम जनरेशन में चेंज ला सकते हैं बट ये जरूर लग रहा था कि ये लंबी लड़ाई है और इसमें एक पूरी जनरेशन लग जाएगी But like in the sea, a drop in the ocean, we started working and the results were fantastic. We started with one school in Sanganer with 40 children. Now we have 15 schools with 3,822 children. So that's the kind of result and our children are doing extremely well. Change aaya pichle 4 saal ke andar, 4 saal se school ja rahe. तो टू अवर ग्रेट सरप्राइज एंड वी वर रियली हैप्पी टू सी कि उनके सबके घर इतने साफ सुंदर और साफ थे अंदर थे खाना भी सब बना रहे थे तो बहुत अच्छे से हाथ धोके स्कूल यूनिफॉर्म्स उन्होंने सबने बहुत अच्छे सब बच्चों ने बहुत अच्छे से रखी हुई थी सो दे वर लाइक डूइंग रियली वंडरफुल सो बहुत दिल को खुशी हुई कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और पढ़ाई में तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे बच्चे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं कविता कॉम्पिटिशन आप लोग